तो दिन से भी हम जान लेते हैं, बेहतर यही बताएंगे। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? हिंदुस्तान यदि भगवा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं है तो चिंता की बात है। भारत वर्ष जो है वो भगवा के ही अंतर्गत आता है, और तिरंगे में भी हमारा सबसे ऊपर जो सबसे पहला वो भी भगवा है, और बाकी है वो भी हरियाली का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, ये शौर्य का प्रतीक है। और रह गई बात तिरंगा और भगवा एक साथ, तिरंगा हमारी शान है, आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा, और भगवा हमारी पहचान है। और साथ में आपने बताया कि ये जो सरना का झंडा, हमारे झारखंड के आदिवासी इतने सरल हैं, इतने सरल निर्मल जल की तरह है, उनको लोग अभी थोड़ी भटकाने की चेष्टा कर रहे हैं। आज उनको यह संदेश देना चाहता हूँ आज के रैली के माध्यम से कि आंखें खोलकर देख लो विधर्मी, यहाँ पर आदिवासी अलग नहीं है। ये जमाने से हनुमान जी की पूजा करते रहे मेरे साथ, ये हमेशा महादेव की पूजा करते रहे हैं, तिरंगा के अंतर्गत रहे हैं, इसीलिए किसी प्रकार का भेद नहीं है। जो तोड़ने की चेष्टा कर रही है उसका यह मुँह तोड़ जवाब है। भारत अखंड था, अखंड फिर हम लोग फिर अखंड भारत की का संकल्प लेके आज हम लोग एक नई यात्रा फिर से प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष फिर भी हम लोग आज ने प्रारंभ किया है। कैसे होगा अखंड भारत? सभी को जागना होगा, जितने दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को एक निष्ठापूर्ण भारतीय होना पड़ेगा। उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग दल अलग अलग जात में नहीं भटकना है, सभी एकत्रित होंगे और निश्चित रूप से जब एक हो जाएंगे तो भारत एक, हमारी मुट्ठी जब बनेगी तो वही पुरानी शक्ति फिर से हमारा आएगा और हम पूरा अखंड होंगे। आज भारत की पहचान पूरे विश्व में है। हम जैसे कटा हजारों में एकड़ मिल जमारी हमारी चाइना दावा के रखा, हम उसे वापस लेने की आज हम ताकत रखते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा भाग कटा था हम उसको लेंगे। हो सकता है लंबी यात्रा हो, लेकिन सभी को जगने की आवश्यकता है। मैं सभी से आह्वान भी करूंगा आपके माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक मन में एक भाव आपके अंदर भी यह संकल्प आनी चाहिए कि भारत अखंड हो और भारत पुनः वही विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो। स्वामी जी एक बात हम इसमें जरूर जोड़ना चाहेंगे, आपने पूछा कि भारत के, वो तो सभी काल में रहे हैं। हम लोग त्रेता में भी देखते हैं घर का भेदी था, और घर का भेदी लंका डाहे, लंका गया भी, और उससे पुनः भारतवर्ष, हमारे श्री राम, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारा आराध्य देव, उनको जीत कर हमारे अभी देखा जाता है कि हिंदुस्तान और हिंदू कैसा होता है। हम उनके राज्य को पुनः जीत कर उन्हें फिर सुपुर्द कर दिया, हमने राज नहीं किया, तो हमने देना भी सीखा है। ये विशालता हमारे हिंदुत्व का है, ये विशालता हमारे भारतवर्ष का है। तो जो घर का भेदी है वो मुंह के बल गिरेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि उनका मुंह काला होने जा रहा है।